आईपीएल सीजन 6 फिक्सिंग की फांस में फंसा हुआ है। इस बीच बीसीसीआई ने आपात बैठक बुलाई है आज चेन्नई में। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन सवाल ये है कि कभी कार्रवाई भी होगी या फिर बातों के ही पुल बनते रहेंगे। कुछ लोग जब चाहे जैसे चाहे क्रिकेट पर कालिख मलकर नोटों से अपने हाथ गर्म कर लेते हैं, और बीसीसीआई है कि बस हाथ मलती रह जाती है। क्रिकेट पर लगे इतने बदनुमा दाग को धोने की कोशिश में आज हो रही है बीसीसीआई की बेहद अहम बैठक। वर्किंग कमेटी की इस मीटिंग में बोर्ड के अफसरों को कई सवालों के जवाब तैयार करने पड़ेंगे। हर साल आईपीएल पर लगने वाले फिक्सिंग के आरोपों के बाद उन्होंने क्या कदम उठाए, बोर्ड की एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट क्या कर रही थी, एक टीम के दो खिलाड़ी कैसे टीम होटल से बाहर दो अलग अलग होटलों में बिना टीम मैनेजमेंट को बताए घूम रहे थे, खिलाड़ियों के टीम होटल से बाहर जाने की सूचना टीम मैनेजमेंट नजरअंदाज करती है या फिर उसे सूचित करने का कोई नियम ही नहीं है, आईपीएल में देर रात प्राइवेट पार्टियों में खिलाड़ी किसकी अनुमति से हिस्सा ले रहे हैं जबकि अगली सुबह उन्हें फ्लाइट पकड़नी होती है। एक बहुत बड़ा बट्टा क्रिकेट की साख को लगा है, बीसीसीआई और आप दोनों बहुत चिंतित होंगे। बहुत चिंतित हैं क्योंकि बहुत एक अच्छी खासी लीग चल रही है, इतना बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा, कुछ लोगों की वजह से उस पे अगर धब्बा लगे तो बड़ी खराब बात है। कितने पैसे मिलते हैं, कितना धन दिया जाता है और इनको खिलाड़ियों को सब तरह से सारी सुविधाएं दी जाती है, इसके बाद भी अगर कुछ खिलाड़ी हरकत करते हैं तो सैकड़ों दूसरे खिलाड़ियों की बेवजह बदनामी कराते हैं, जो बेचारे ईमानदार हैं, सच्चे हैं और ढंग से खेल रहे हैं उनकी बदनामी भी कराते हैं, क्रिकेट की बदनामी भी कराते हैं। तो इस तरह के तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बीच खबर है कि आईसीसी ने भी दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा है और मुमकिन है कि पूरे हालात की जानकारी लेने के लिए जल्दी ही आईसीसी के अधिकारी दिल्ली भी आएंगे। खबर तो ये भी है कि बीसीसीआई के एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट के चीफ रवि सवानी ने भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से संपर्क किया है और वो अगले 30 दिन में क्रिकेट में होते इस काले खेल पर अपनी रिपोर्ट देंगे। वैसे आज की बैठक में सवानी भी तलब किए गए हैं। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर क्रिकेट बोर्ड इस बार भी जवाबदेही को स्वीकार करेगा, उम्मीद तो कम ही दिखती है। आज तक ब्यूरो। तो आईपीएल सीजन 6 पे फिक्सिंग का साया मंडराया तो बीसीसीआई ने भी आपात बैठक बुलाई है चेन्नई में। अतीत हमारे साथ हैं। अतीत, सिर्फ औपचारिकता भर है बैठक या फिर किसी ठोस कार्रवाई की उम्मीद भी रख सकते हैं? कह तो यही रही है बीसीसीआई, हमेशा से कहती रही है कि वो ठोस से ठोस कदम उठाएगी, लेकिन हमें कुछ नतीजा देखने को नहीं मिलता है। पिछले साल भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें बड़े नाम नहीं आए थे तो उसके बाद भी बात रफा दफा हो गई थी। इस बार अगर शीशांत ना होते तो शायद ये मामला भी रफा दफा हो जाता, लेकिन क्योंकि शीशांत हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है तो बीसीसीआई ने ये एक मीटिंग बुलाई है। लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ पर डिसीजन लेने की जरूरत है, सिर्फ एक यहाँ से हर पूरे देश से सब बीसीसीआई ऑफिशियल जाएंगे, चेन्नई में लंच होगा, रात को सब अपने लोग घर वापस चले आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा, बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। आईपीएल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई की जिस तरह से एक बदनामी हो रही है, पहले ही सब लोग कहते हैं कि पैसा को लेकर बीसीसीआई अपना दोष जमाती है, लेकिन यहाँ जहाँ क्रिकेट की बदनामी हो रही है बीसीसीआई को ठोस कदम जरूर उठाने पड़ेंगे। उम्मीद यही कि कोई ठोस कदम उठाए जाए, लेकिन इस बीच पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और खबरें ये भी आ रही हैं कि अंडरवर्ल्ड से भी धमकियां दी जा रही थी खिलाड़ियों को, कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है, इस पर अपडेट देंगे तंसीम। जी बिना, जाहिर है जो नया खुलासा हुआ है अंडरवर्ल्ड को लेके, उसमें ये बात सामने आई है कि जो बुकीज है वो अंडरवर्ल्ड के टच में थे, उनके माफियाओं के टच में थे, वो जिस तरह बताते थे उस तरह बुकीज इन प्लेयर्स के साथ साथ हवाई यात्राएं भी किया करते थे और जिस होटल में ये ठहरते थे उनके साथ बुकी आसपास के कमरे में ठहरते थे, और कई बार अंडरवर्ल्ड के लोगों की बातचीत ये भी सुनी गई कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया इन क्रिकेटर्स के लिए कि ये कैसे नहीं करेंगे, हमने इन्हें पैसे दिए हैं। अजीत चंडीला की बात करें तो उसने जब अपना इशारा जो उसको देना था टी शर्ट
उठाने का जो स्पॉट फिक्सिंग हुई थी तो उसने टी शर्ट नहीं उठाई, उस पर बड़ा अंडरवर्ल्ड नाराज हुआ। अंडरवर्ल्ड के लोग उन्होंने फोन पे बुकीज को और प्लेयर्स को बहुत धमकाया इस बात को लेकर कि उसने इशारा नहीं किया और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया। तो ये जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, इस तरह का जो चारों तरफ से एक शिकंजा कस रखा था अंडरवर्ल्ड ने इन खिलाड़ियों के ऊपर, ये बेहद खतरनाक और चौंकाने वाला है। और आज भी जो पूछताछ स्पेशल सेल में हो रही है तीनों खिलाड़ियों से और जो 11 बुकीज हैं, आज अलग अलग इनको आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ की जाएगी। जी तंसीम और रतीद, आपका इस पूरे अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।